ने 20-25 अभ्यर्थियों को उत्तर भी रटवाए थे, जी हाँ, ताकि वो पास कर जाए। उनके परिवार वालों से पैसे भी लिए गए थे। नीट पेपर लीक केस में FIR जो दर्ज की गई है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। आयुष और अनुराग को एग्जाम के बाद पकड़ा गया था, अब जब FIR दर्ज की गई है तो उसमें इस बात का जिक्र है कि इन अभ्यर्थियों को आंसर्स रटवाए गए थे। जो सवाल आने वाले थे, जो लीक किया गया, उसके उत्तर इन आरोपियों को रटवा दिए गए थे। 20 से 25 ही अभ्यर्थी थे जिनको उत्तर रटवा दिए गए थे। तो नीट पेपर लीक मामले में ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया है। आयुष और अनुराग को पकड़ा गया था इस परीक्षा के बाद। और इसी मामले से जुड़ी हुई, चलिए आगे बढ़ते हुए एक और जो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर के एक के बाद एक जो तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पेपर लीक कांड का एक और किरदार सामने आया है। पेपर लीक आरोपी सिंटू कुमार अरेस्ट किया गया है। झारखंड के देवघर से EOU ने सिंटू कुमार को पकड़ा है। आरोपी की तलाश में अब EOU, जिसका नाम चिंटू बताया जा रहा है, उसकी तलाश में EOU अब जुटी हुई है। सिंटू से पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं, कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, कई और किरदार भी पकड़े जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां सिंटू को पकड़ लिया गया है लेकिन आरोपी चिंटू की तलाश में EOU की जो टीम है वो लगी हुई है। अब सिंटू से लगातार पूछताछ की जा रही है जिसमें और बड़े फैक्ट सामने आ सकते हैं। और देखिए, नीच पेपर लीक मामले में रोजाना नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी तक पेपर लीक का जो कनेक्शन सामने आया है, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। तो कनेक्शन कहां से कहां तक जुड़ा है, रैकेट कहां से जुड़े हैं, देखिए, देवघर, झारखंड में देवघर से इसका कनेक्शन जुड़ा, जहां से आरोपी चिंटू की तलाश जारी है। चिंटू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा देखिए, बिहार के नालंदा की बात करें, झारखंड के साथ साथ सटे हुए राज्य बिहार के नालंदा में यहीं पर पेपर लीक होने की जो खबर है आपको जैसा पता है सबसे पहले सामने आई थी, आपको मैप के जरिए बता रहे हैं, नालंदा से रवि अत्री गैंग पर आरोप लगा कि पेपर लीक का जो पूरा का पूरा प्लान था वो यहां रचा गया। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची, देखिए बिहार और झारखंड कैसे दोनों ही स्टेट के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची मेडिकल कॉलेज का भी नाम इस पूरे पेपर लीक मामले में सामने आया है। यहीं के छात्रों ने पेपर सॉल्व किए थे, ये भी आप समझिए, यानी इनको ही ये पेपर दिया गया था। पटना, बिहार की राजधानी पटना, यहां पर बच्चों को जो अभ्यर्थी थे 20 से 25 बताया जा रहा है, वहां उन बच्चों को बिहार की राजधानी पटना में आंसर रटवाए गए थे और साथ ही उनको कोटा से वापस बुलाया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया है, पटना में सिकंदर, नीतीश, अमित को पकड़ा गया। सिकंदर का एक बहुत बड़ा किरदार इसमें सामने आया। साथ ही तेजस्वी यादव के PS प्रीतम का भी नाम सामने आया, जिसको लेकर BJP लगातार हमलावर है। हालांकि तेजस्वी यादव इसे नकार रहे हैं। तो मैप और साथ ही साथ आपको हमने पूरी जानकारी दी कि कहां कहां नाम अभी तक पेपर लीक के मामले में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नीट धांधली मामले से जुड़ी हुई, आरोपी शिवनंदन कुमार का पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा, परिवार से सिकंदर के पारिवारिक संबंध रहे हैं। शिवनंदन कुमार ने बताया कि सिकंदर ने उसको कहा कि प्रश्न पत्र आ गया है। शिवनंदन कुमार फोन पर बताया कि नीट का प्रश्न पत्र आ गया है। शिवनंदन ने ये कई बड़े खुलासे जो है पूछताछ के दौरान सामने रखे हैं। सिकंदर ने नीतीश आनंद के पास भेजा था, शिवनंदन ने यह भी जानकारी दी है। और साथ ही यह भी बताया कि हमें प्रश्न पत्र और जवाब रटाए गए, परीक्षा देने के दौरान हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शिवनंदन ने पूछताछ में ये तमाम बड़े खुलासे किए हैं। तो जरा देखिए कि कैसे जो बातें हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। ये जो अभ्यर्थी थे उन्हें आंसर्स रटाए गए थे। और तमाम फैक्ट्स, तमाम खुलासे हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। तो अभ्यर्थी शिवनंदन कुमार ने अब कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं, बता दें कि एग्जाम के बाद ही उसे पकड़ लिया गया था, पुलिस ने धर दबोचा था। उसका पूरा कबूलनामा चलिए हम आपको बता देते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे ये रैकेट काम कर रहा था। तो देखिए, आरोपी शिवनंदन जो कि जिसने कि एग्जाम दिया था, जो कि अभ्यर्थी है, उसने क्या कबूल किया है, मैं पटना में एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में शिवनंदन ने बताया, एक दिन मुझे अंकल सिकंदर का कॉल आया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, यानी सिकंदर ने शिवनंदन को मुलाकात के लिए बुलाया। सिकंदर ने मुझे नीतीश और अमित से मिलवाया। शिवनंदन ने ये बड़े बातें सामने रखी है पुलिस के। 4 तारीख की रात को मुझे पेपर रटवाए गए, यानी कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर इन्हें रटवाए गए। सुबह हम लोग गेस्ट हाउस से एग्जाम सेंटर गए, जिसमें शिवनंदन समेत कई और जो बच्चे थे वो भी शामिल थे। एग्जाम सेंटर पाटलिपुत्र इंटरनेशनल कॉलेज में था, और नीट एग्जाम में जब वो पहुंचते हैं तो वहां एग्जाम के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो पहले बुलाया गया, सिकंदर ने मिलने को बुलाया, वहां 2 और लोगों से उसे मिलवाया गया, फिर जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स इन अभ्यर्थियों को रटवाए गए, और उसके बाद उन्हें लेकर के जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचे तो पुलिस ने उसके बाद उन्हें पकड़ लिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं, आरोपियों के सेफ हाउस पहुंचा टाइम्स नाउ नवभारत। नवभारत
पहुंचकर आरोपियों के सेफ हाउस में वहां से आपको तमाम अपडेट सब देगा। दरअसल पटना जिले के खेमनीचक में प्ले स्कूल है, लर्न प्ले स्कूल। ये स्कूल देखने में खंडहर जैसा है, लेकिन इसी प्ले स्कूल में बच्चों को लाया गया था और यहीं पे इन्हें सेफ हाउस में उन्हें आंसर्स रटवाए गए थे। और दो संवाददाता हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत सिंह हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज हमारे साथ भी पटना से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस सेफ हाउस के बारे में पता चल रहा है, इस सेफ हाउस में जाकर के ही बच्चों को आंसर रटवाए गए थे, अगर आप वहीं पर मौजूद हैं जरा तस्वीरें भी दिखाएं और अभी क्या अपडेट इसको लेकर है वो भी बताएं। देखिए बिल्कुल, ये वही सेफ हाउस है जहां हम मौजूद हैं। खेमनीचक का इलाका है ये और पटना से लगभग जो मेन सेंटर है वहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। आरोपियों ने कितने दिमाग लगाकर इस पूरे एरिया को चुना है आप ये देखकर समझ पाएंगे। देखिए पूरा का पूरा इलाका अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो देखिए किस तरीके से खंडहर दिखेगा आपको। यहाँ पे बाकायदा रोड भी जो है वो अच्छी नहीं बनी हुई है, जो घर है वो अभी बन रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो खंडहर नुमा है, ये दरअसल लर्न प्ले स्कूल है, लर्न बॉयज हॉस्टल है। ये चक का प्ले स्कूल है जो एक आम प्ले स्कूल की तरह आपको नजर आएगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत खास था जो इस पेपर लीक में शामिल थे। ये उन लोगों के लिए बहुत खास था जो बच्चे पैसे देकर जिनके पेरेंट्स ने उनको क्वेश्चन आंसर्स रटवाए थे। इसी के अंदर 4 तारीख को अगर आप देखेंगे तो ऊपर एसी भी लगा हुआ है, इसी के अंदर 4 तारीख को रात में जो है बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 बच्चों को यहां पर लाया गया था और उनको बकायदा जो क्वेश्चंस थे वो दिए गए थे, आंसर्स रटवाए गए थे। यहां पर सिकंदर भी मौजूद था, इसके साथ साथ तमाम वो लोग जो इस पूरे किरदार को निभा रहे थे, इस पूरे एपिसोड में किरदार थे, वो सभी लोग यहां पर मौजूद थे, यहां पर आए थे। एक बार अंदर भी अगर हम दिखाएं आपको तस्वीरें, देखिए यहां पे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से अंदर एक ट्रेडमिल है, अंदर आपको कुर्सियां नजर आएंगी, एक दरवाजा जो कि बंद आपको नजर आएगा, नीचे कारपेट नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा ये पूरा का पूरा बिल्डिंग आपको खंडहर नुमा नजर आएगा। और यही कारण है कि आरोपियों ने ऐसी जगह की पहचान की जहां पर किसी का आना जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो। पुलिस छोड़िए, यहां पर अगर आम आदमी भी आए तो शायद एक बार को भटक जाए, इतनी गली में है। एक बार इधर दिखाइए तस्वीर में, देखिए ये कैसा रास्ता है, इस तरीके के रास्ते का उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। देखिए किस तरीके की जो जमीन है इसके बगल की इनको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी यहां पर ना आग पहुंचे और किसी को भी इस बात का शक ना हो कि ऐसे एक छोटे से प्ले स्कूल में जो कि सिटी से 10 से 12 किलोमीटर की दूर पे है, एक ऐसा जगह जहां पर किसी का जाना जो है वो दूभर है, वहां पर ऐसे प्ले स्कूल को बनाकर और इस तरीके से सेफ हाउस का इंतजाम किया जाए। इसी सेफ हाउस के अंदर 20 से 25 बच्चों को रटवाया गया था सारे आंसर्स, उनको बाकायदा क्वेश्चंस दिए गए थे। और यहां भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर जो मीटर है वो अभी भी चालू है, देखिए आपको ये मीटर चालू नजर आएगा, यानी कि अब जो अभ्यर्थी थे जब यहाँ पे पहुंचे थे तो उस वक्त उनके लिए लाइट, पंखे, एसी सबका इंतजाम किया गया था। इसके अलावा देखिए एक और गेट भी आपको नजर आएगा, इस गेट के अंदर भी एक छोटा सोफा रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है इस पूरे ऐसी जगह को चुना गया था जिसे सेफ हाउस शायद इसीलिए कहा गया ताकि उनके हिसाब से बहुत सेफ हो, ना तो यहाँ पर पुलिस पहुंच पाए ना कोई आम आदमी पहुंच पाए क्योंकि इतना आउटर में इलाका है। चलिए एक और बड़ी खबर बताती हूँ, उसके बाद साकेत में आपके पास आती हूँ। नीट धांधली से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि प्रीतम कुमार को EOU ने नोटिस भेजा है। दरअसल तेजस्वी यादव के निजी सचिव है प्रीतम, अब उन्हें भी नोटिस भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, EOU ने प्रीतम को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर अपडेट सीधे साकेत से हासिल करते हैं। साकेत, बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे इस पूरे शिकंजे में तेजस्वी यादव के निजी सचिव भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या खबर और अंदर खाने से आ रही है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से गेस्ट हाउस की बुकिंग में प्रीतम कुमार का नाम सामने आया था कि उनके द्वारा ही ये बुकिंग कराई गई थी, उसको उसके बाद जो प्रीतम कुमार की भूमिका है वो संदेह के घेरे में थी। और निश्चित तौर पर क्योंकि गेस्ट हाउस के जो भी स्टाफ थे, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो वहाँ पर जो भी कर्मी है, उससे EOU ने पहले ही पूछताछ की थी, तो अब सिर्फ एक प्रीतम कुमार ही बचे थे जिनके फ़ोन के बाद, जिनके कहने के बाद वहाँ पर रूम बुक हुआ था उस गेस्ट हाउस में, तो उनसे भी पूछताछ EOU को करना था। और इसी को लेकर EOU ने, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कि नोटिस किया है प्रीतम कुमार को। हालांकि कब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गई है, लेकिन नोटिस किया गया है ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। और अभी भी मैं EOU ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, यानी कि अब जब भी कोई भी पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुँचेगा तो
इसी जगह उसकी पूछताछ होगी, ईओयू के इसी ऑफिस में तमाम लोगों की पूछताछ हो रही है पटना में। तो ऐसे में अब सवाल है कि कब तक ये पूछताछ होगी, कब पहुंचेंगे, इस पर अभी तक समय नहीं बताया गया। लेकिन ये बात भी जानकारी में आ गई है कि एडीजी जो है एनएच खान, नैयर हसनैन खान, वो एक रिपोर्ट लेकर आज दिल्ली जाएंगे। अब तक का जो अपडेट है ईओयू के जांच के दौरान जो अपडेट मिले हैं, उन अपडेट के साथ वो शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल साकेत। तो गेस्ट हाउस की बुकिंग को लेकर प्रीतम कुमार के कनेक्शन जुड़ने के साथ ही अब नोटिस ईओयू की तरफ से प्रीतम कुमार को भेजा गया है।